Hello everyone and welcome back to this tutorial Learn Python with Compound. और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं what is iterator and generator in Python. अब iterators होते क्या है? कई बार Python में हमें बड़े-बड़े sequence का इस्तेमाल करना पड़ता है और ऐसे बड़े-बड़े sequence को scan करने के लिए हम for loop का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि list, tuple और strings में. अब list और tuples की बात की जाए तो इनमें बहुत सारे data types store हो सकते हैं. और ऐसे डेटा टाइप को फॉर लूप से स्कैन करते वक्त जो उसका वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं वो वेरिएबल अलग अलग साइज की मेमोरी में अपने आप को स्टोर करता है. जो पहली बात ये है कि वो बहुत ज्यादा मेमोरी को यूज करता है और इट्स अ वेस्ट ऑफ मेमोरी. और इसी चीज से बचने के लिए पाइथन प्रोग्रामर्स ने बनाया इटरेटर और जनरेटर. ये थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं लेकिन ये बहुत ज्यादा ही मेमोरी इफिशियंट होते हैं. दूसरी चीज ये है कि जब तक फॉर लूप का पूरा कोड रन नहीं होता है हम आगे अपने फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते या फिर हमारे फंक्शन में और ज्यादा रन टाइम इस्तेमाल नहीं कर सकते. बट बात की जाए जनरेटर की तो हर बार जब भी हम जनरेटर से कोई नवी वैल्यू यील्ड करते हैं तो हम उस पर प्रोसेस भी रन टाइम कर सकते हैं, जो कि कुछ इफिशियंट वे है प्रोग्रामिंग का. सो बढ़ते हैं इटरेटर्स के तरफ. तो इटरेटर्स होते क्या है? इटरेटर वो ऑब्जेक्ट है जो किसी भी तरह के सीक्वेंस को जैसे कि स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल्स को ट्रैवर्स करते हैं. इसका ये मीनिंग है कि हम उसके एलिमेंट बाय एलिमेंट बाय एलिमेंट उसको स्कैन करते हैं. और इटरेशन के लिए हम तो इस्तेमाल करते हैं दो अलग फंक्शंस का. पहला है इटर फंक्शन और दूसरा है नेक्स्ट फंक्शन. इटर ये फंक्शन इटरेटर ऑब्जेक्ट को बनाता है और नेक्स्ट फंक्शन का काम ये होता है कि जो इटर फंक्शन है उसमें से जो सीक्वेंस हमने डाल रखी है उसके नेक्स्ट 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 एलिमेंट को वो स्कैन करता रहता है या फिर कॉल करता है. दिस इज अ सिंपलेस्ट वे टू स्कैन एनी काइंड ऑफ सीक्वेंस. तो बढ़ते हैं प्रोग्राम के तरफ. सो सबसे पहले हम किसी भी तरह का एक लिस्ट बना लेते हैं और उस लिस्ट को हमें इटर फंक्शन से इटरेट करना है या फिर उसे ट्रैवर्स करना है. उसमें कौन कौन से एलिमेंट हमें पता लगाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक इटरेटर ऑब्जेक्ट बनाएंगे. अब इटरेटर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैंने फंक्शन बताया है इटर फंक्शन और उसके अंदर हम लिखेंगे सीक्वेंस. सो उसके बाद में हमें इसको क्या करना है, लूप में स्कैन करना है, यानी कि जो उसका नेक्स्ट फंक्शन रहेगा वो बार बार हमें उसे कॉल करना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वाइल लूप लगाएंगे. अब वाइल लूप क्या है इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूं जो है आई कार्ड के अंदर. अब वाइल लूप को हम कर देंगे इनफाइनाइट लूप तक स्कैन, जिसका मतलब हम वहां पे लगाएंगे ट्रू. उससे क्या होगा कि जो हमारा ये वाइल लूप है वो इनफाइनाइट टाइम तक कॉल होगा. अब उसके बाद में हमें हमारे हर एलिमेंट को प्रिंट करना है तो प्रिंट, लेकिन हमें उसको इंक्रीमेंट भी करना है तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट. और उसके बाद में नेक्स्ट के अंदर हम हमारी लिस्ट को नहीं डालेंगे, हमने जो इटरेटर फंक्शन डाला है उसको लगाएंगे, यानी कि इट को. अब इससे क्या होगा कि वाइल लूप में जाते बरोबर वो नेक्स्ट पे जो एलिमेंट है उसको स्कैन करेगा, उसके बाद में वो अपने आप को इंक्रीमेंट कर देगा. उसके बाद में जब वाइल लूप जाएगा तो वो उसके नेक्स्ट को प्रिंट करेगा और अगले वैल्यू को स्कैन करने के लिए वेट करेगा. और इस तरह से ये इटरेटर फंक्शन कॉल होता है. अब इसे हम रन करके देखते हैं. यहाँ पे एरर आया है, जॉब पे स्टॉप इटरेटर. इसे हमें एरर हैंडलिंग से हैंडल करना पड़ेगा जो इस वीडियो के स्कोप में नहीं है, तो इसको मैं आगे की कुछ वीडियोस में बताऊंगा. तो फटाफट एरर हैंडलिंग करते हैं और प्रोग्राम को रन करके देखते हैं. वाला अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इटरेटर फंक्शन ने फॉर लूप की तरह ही काम किया, लेकिन आप कभी यहाँ पे देखेंगे कि हमने कौन कौन से वेरिएबल और उनके साइजेस क्या है, तो यहाँ पे इटरेटर ऑब्जेक्ट ने किसी भी तरह की मेमोरी को अलग से इस्तेमाल नहीं किया. ये क्या करता है कि जो हमारा लिस्ट है उसमें से जो हमने मेमोरी पहले से बनाई है उसकी मेमोरी लोकेशंस को बस वो एक्सेस करता है, अलग से अलग वेरिएबल में स्टोर नहीं करता है, जिससे हमारी मेमोरी बहुत ज्यादा सेव होती है. सो ये था सिंपल इटरेटर फंक्शन की इटरेटर किस तरह मेमोरी को सेव करता है. उसके बाद में बढ़ते हैं जनरेटर्स के तरफ. सो जनरेटर्स होते क्या है? जिस तरह इटरेटर फंक्शन किसी सीक्वेंस को बार बार कॉल करता है, इटरेट करता है, उसी तरह से कई बार हमारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जिन्हें हम बार बार कॉल करना चाहते हैं. अब ऐसे फंक्शंस को कभी हम बार बार कॉल करेंगे और उनकी रिटर्न वैल्यूज को बार बार स्कैन करेंगे तो हमारे को एक तो फॉर लूप में ऑब्वियसली मैंने बताया मेमोरी लगेंगी, उसके बाद में उसको बार बार कॉल करने का भी कोई वेस्टेज ऑफ टाइम हो रहा है. और फॉर लूप का ऐसा हो जाता है कि एक बार आपने फॉर लूप कॉल कर दिया तो आप उसको एंडिंग तक रोक नहीं सकते.
ऐसे टाइम पे हम जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। जनरेटर फंक्शन उसी वक्त अपनी वैल्यू को यील्ड करेगा जब नेक्स्ट फंक्शन उसको कॉल करेगा, उसके सिवा वो अपनी नेक्स्ट वैल्यूज को स्कैन नहीं करता या फिर यील्ड ही नहीं करता है। तो अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है मैं आपको वो बता देता हूँ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे। अब फंक्शन काय के लिए, फिबोनाची सीरीज के लिए। तो पहले आपको बता दो फिबोनाची सीरीज होती क्या है। फिबोनाची सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें हम दो नंबर्स का एडिशन करते हैं, सपोज 0 1, और उसका जो एडिशन होता है वो हम थर्ड वेरिएबल में डाल देते हैं। तो वो सपोज बन गया हमारा 0 1, एडिशन होता है 1, और उसके बाद में थर्ड वेरिएबल और सेकंड वेरिएबल का ऐड करेंगे तो उसको हम फोर्थ वेरिएबल में डालेंगे जो हो जाएगा आई गेस 2, देन 2 और 1 को ऐड करके 3 बनाएंगे, देन 3 और 2 ऐड करके 5 बनेगा, है ना, देन 5 और 3 को ऐड करके 8 बनेगा। सो इस तरह की सीरीज को हम बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। तो इसके लिए हम यहाँ पे बनाएंगे उसका एक फंक्शन। फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन फिर भी इसमें बनाते हैं तो फंक्शन हम बनाते कैसे है, तो उसके लिए हम बनाते हैं डेफ। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फिबो और अंदर उसके ब्रैकेट में जो भी हमें उसकी साइज चाहिए, जो भी वो जो सिक्वेंस बनेगा उसकी कितनी साइज रहेंगी, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 10। अब इसके अंदर फिबोनाची सीरीज कैसे वर्क करेगा उसका हमें कोड लिखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 वेरिएबल बनाते हैं, ए बी और काउंट, और उनको इनिशिएट कर देते हैं। कैसे, इक्वल टू लगा के 0 1, और काउंट की वैल्यू भी 0 रख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा पहला ऑब्जेक्ट है, पहला वेरिएबल है, उसकी वैल्यू है 0, दूसरे वाले की है 1, और जो काउंट है वो काउंट क्या करेगा कि जब भी हम अपना लूप इंक्रीज करेंगे तो वो जो रहेगा वो एन की वैल्यू से कंपेयर करेगा, और एन की वैल्यू से कभी वो ज्यादा हो जाएगा तो अपन अपने लूप को रुका देंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बार बार हमारे एक लूप बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे व्हाइल ट्रू लगा के एक लूप तो इनफाइनाइट टाइम के लिए बना दिया, लेकिन मुझे काउंट का फंक्शन भी लगाना है, जैसा मैंने आपको बताया ये फंक्शन को स्टॉप करने के लिए। तो मैं वहां पे क्या कर दूंगा, इफ काउंट इज ग्रेटर देन एन तो हम वैल्यू को रिटर्न कर देंगे, यानी कि हमारा जो इफ है वो इस व्हाइल लूप को ब्रेक कर देगा, उसको रुकाने का काम करेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू ए को यील्ड करेंगे। अब वैल्यू ए जो यील्ड हो जाएगा, यानी कि जो हमारी वैल्यू ए हमने बनाई है वो वैल्यू, वो जो इटरेटर फंक्शन है, जो हमारा जनरेटर फंक्शन है, उसको बाहर फेंकेगा, जो ये हमारा आउटपुट रहेगा। अब उसके बाद में हमें इंक्रीमेंट्स करने हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि ए की वैल्यू बी बन जाएंगी और बी की जो वैल्यू है वो ए प्लस बी बन जाएंगी। तो उसके लिए हम लगाएंगे ये वाला कोड, और उससे क्या होगा कि हमारी फिबोनाची सीरीज ये व्हाइल लूप में ऑटोमेटिक इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगी। और काउंटर को इंक्रीज करने के लिए काउंट प्लस इज इक्वल टू 1, इससे हमारा काउंटर भी इंक्रीज हो जाएगा। सो जो ये हमने अभी फंक्शन बनाया ये फिबोनाची सीरीज का फंक्शन है, आपको ये समझना पड़ेगा। अब इस फंक्शन को जनरेटर कैसे बनाएंगे, जनरेटर ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, तो कुछ भी नहीं करना है, हमें डायरेक्टली एक ऑब्जेक्ट बनाना है एफ जो कि इस फिबोनाची सीरीज को कॉल करेगा। अब उसमें हमें कितने एलिमेंट चाहिए, 10 एलिमेंट चाहिए, तो एफ इज इक्वल टू फिबो इन ब्रैकेट 10। अब ये जो बना है ये जनरेटर ऑपरेटर बना है, क्योंकि जो ये फंक्शन है ये वैल्यू यील्ड कर रहा है। अगर ये वैल्यू रिटर्न करता था तो मे बी हम इसको नॉर्मल ऑब्जेक्ट बोलते थे, बट यहाँ पे वैल्यू यील्ड हो रही है तो इसलिए ये जनरेटर ऑब्जेक्ट रहेगा। अब हमें क्या करना है, जनरेटर ऑब्जेक्ट में से वैल्यू को एक्सेस करना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट को कैसे लगाना है वो देखते हैं, व्हाइल ट्रू, उसके बाद में एरर हैंडलिंग जैसा हमें करना ही पड़ेगा इसके अंदर भी। तो ट्राई के अंदर क्या लिखेंगे, प्रिंट नेक्स्ट एफ, जनरेटर फंक्शन को, जनरेटर ऑब्जेक्ट को कॉल किया है एफ, और उसके बाद में एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर में एक्सेप्शन में स्टॉप इटरेटर और एंड सिस्टम, ये क्या करेगा, जब भी ये एरर आएगा वो सिस्टम को एग्जिट कर देगा, यानी कि हमारे प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है मैं बताता हूँ, अगर हम कभी फॉर लूप लगा देते तो जब तक प्रोग्राम, जैसे फॉर लूप स्टार्ट होगा वो ऑटोमेटिकली फटाफट वैल्यू को जनरेट करना, वैल्यू लिखना शुरू कर देगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जब वैल्यू नेक्स्ट होंगी उसी वक्त वो उसको प्रिंट करेगा, आलतू फालतू जब तक ये नेक्स्ट कॉल नहीं होगा तब तक जनरेटर पे हम जाएंगे नहीं। ये जो प्रोसेस है थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है, मैं अभी बताता हूँ, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, व्हाइल पे जाना है, फिर हमें उस वैल्यू को यील्ड करना है, फिर व्हाइल पे जाना है, फिर वैल्यू को यील्ड करना है, फिर व्हाइल पे जाना है, फिर वैल्यू को यील्ड करना है। फॉर लूप में ये नहीं होता है, बट फॉर लूप में मेमोरी ज्यादा कंज्यूम होता है। तो यूजर पे डिपेंड करेगा, जो प्रोग्रामर है वो डिसाइड करता है कि मुझे टाइम कंज्यूमिंग प्रोग्राम बनाना है या फिर मेमोरी कंज्यूमिंग प्रोग्राम बनाना है।
तो ये टोटली प्रोग्रामर का चॉइस होता है कि उसे जनरेटर का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर इसका इस्तेमाल, यानी कि फॉर लूप का इस्तेमाल या फिर इस तरह के लूप्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अब यहाँ पे सिंपल क्या हो रहा है, आपको मैंने बता दिया है कि सबसे पहले प्रोग्राम व्हाइल लूप से शुरू होगा, उसके बाद में वो फिबोनाची के जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है उसकी वैल्यू को नेक्स्ट करेगा। अब जैसे ही उसने नेक्स्ट किया, वो जीरो पे था, तो वो अपने फंक्शन को कॉल करेगा, वहां से उसकी वैल्यू को स्कैन करेगा, यील्ड ए को करेगा, और बाद में डबल से वो अपने वाइल लूप के तरफ पहुंच जाएगा, क्योंकि वाइल लूप तो लूप में चल रहा है। उसके बाद में डबल से वैल्यू नेक्स्ट आ रही है, तो वो पहला सिक्वेंस, फिर दूसरी वैल्यू, फिर तीसरी वैल्यू, इस तरह से बारी बारी वो यील्ड करेगा। तो ये होता है हमारा जनरेटर फंक्शन। अब इसका आउटपुट क्या आया? यस, इट्स अ फिबोनाची सीरीज ऑफ 10 एलिमेंट। सो फ्रेंड्स, ये है हमारे इटरेटर एंड जनरेटर। अब इसका मेन यूज क्या है? अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि जनरेटर कैसे काम करते हैं, बट इसके यूजेस कैसे हैं मैं आपको ये बताता हूँ। हमारे पास में एक बहुत बड़ा डेटाबेस है, और उस डेटाबेस में से हमें बहुत सारी वैल्यूज रिट्रीव करनी है। अगर हम कभी फॉर लूप लगाएंगे तो हमारे साथ में क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले फॉर लूप वो जो हमारा डेटाबेस है उससे डेटा को रिट्रीव करना शुरू करेगा, बट वो यूजर को तब तक वो वैल्यू दिखा नहीं सकता जब तक वो सारा का सारा डेटा रिट्रीव नहीं करेगा। तो हमारे पास में क्या हो रहा है, एक अलग से सारा का सारा डेटा अलग मेमोरी में या फिर अलग पूरा का पूरा बन रहा है, और उसके बाद में वो हमारे पास में आ रहा है। अब ये जो चीज है, सपोज ये 1 लाख लोगों का डेटा है और हर डेटा को रिट्रीव करने का 1 सेकंड लगता है, तो मुझे डेटा मिलने तक कितनी देर का वेट करना पड़ेगा? 1 लाख सेकंड्स का। बट जनरेटर क्या करेगा, जनरेटर हर एक लाइन को एक्सेस करेगा, प्रिंट करेगा, उसके बाद हम उसको नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट आइटम को कॉल करेंगे और डबल से हमें डेटा देगा। फिर हम वैल्यू को नेक्स्ट करेंगे, वो डेटा के पास जाएगा, डेटा रिट्रीव करेगा और यूजर को दिखाएगा। तो मुझे मेरा डेटा हर 1 सेकंड में मिल रहा है, मुझे 1 लाख सेकंड तक वेट करने की जरूरत नहीं है। मुझे 1 लाख लोगों का डेटा, मैं भी थोड़े टाइम से मिलना शुरू होगा, बट मुझे डेटा फर्स्ट सेकंड से ही मिलना शुरू हो गया। ये जो चीज है जनरेटर, ये मे भी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है प्रोग्राम के हिसाब से, बट इट इज रियली यूजफुल इन रन टाइम एप्लीकेशंस। सो ऐसी कई जगह पे हम इटरेटर्स और जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं, और ये टोटली प्रोग्रामर चॉइस होता है कि उसे किस तरह से इन फंक्शंस का इस्तेमाल करना है। कई सारी एप्लीकेशन में जनरेटर ये नॉर्मल वे से फास्ट काम करते हैं, यानी कि ये ऐसी सिचुएशन होती है कि हमारे पास में मेमोरी भी बच रही है और टाइम भी बच रहा है, बट मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है कि हमारी मेमोरी बचती है बट टाइम कंजम्पशन ज्यादा हो जाता है। सो इट्स टोटली अ प्रोग्रामर चॉइस वेदर यू हैव टू यूज जनरेटर और नॉट। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने बात करी इटरेटर और जनरेटर में जनरेटर की। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, साइनिंग ऑफ। हे, रुको रुको रुको, जाने से पहले मेक श्योर कीजिए कि आपने सब्सक्राइब बटन दबा रखा है और बेल आइकॉन भी, फॉर फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ पाइथॉन ट्यूटोरियल। और देखिए यहाँ पे कुछ वो वीडियोस जो मैंने इससे पहले पढ़ाए हैं, एंड चेक द आई कार्ड फॉर मोर वीडियोस। और अगर आप पाइथॉन से रिलेटेड किताबें खरीदना चाहते हैं, सो सी इन द डिस्क्रिप्शन, आई हैव गिवन अ लिंक फॉर द बुक्स। सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड स्टार्ट कोडिंग विद पाइथॉन, इट्स रियली अ फन।